हेलो एंड वेलकम टू 16th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेट्रोलिस्थेसिस के बारे में। जी हाँ, L4, L5 और L5S1 लंबर रीजन का रेट्रोलिस्थेसिस क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, उसके लिए दो बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी हैं, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि रेट्रोलिस्थेसिस क्या होता है, हमारी MRI में ये वर्ड लिखा होता है। तो हम इसमें आपको ये बताएंगे कि रेट्रोलिस्थेसिस होता क्या है। रेट्रो का मतलब होता है पीछे और लिस्थेसिस का मतलब होता है स्लिपेज ऑफ वर्टिब्रा। तो जब भी वर्टिब्रा हमारा या तो L4 जो है वो L5 के पीछे को स्लिप कर जाता है या जो L5 है वो S1 के पीछे को स्लिप कर जाता है, तो जो भी हमारी पोस्टीरियर यानी कि पीछे को वर्टिब्रा की स्लिपेज होती है उसको हम रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो पर ये जो रेट्रोलिस्थेसिस होता है ये सिर्फ 20% लोगों को होता है। इससे उल्टा एक होता है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस, जिसको हम एंटीरोलिस्थेसिस भी बोलते हैं। वो एंटीरोलिस्थेसिस और स्पोंडाइलोलिस्थेसिस 80-85% लोगों में होता है जब भी हमारा स्लिप डिस्क होता है या पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का जो डिफेक्ट होता है। उसके लिए जो वीडियो है वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसको जाके आप देख लीजिए, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस होता है इसका मतलब होता है आगे को वर्टिब्रा स्लिप करना और रेट्रोलिस्थेसिस का मतलब होता है पीछे को वर्टिब्रा स्लिप करना। तो ये डिफरेंस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं रेट्रोलिस्थेसिस की ग्रेडिंग कैसे होती है, क्या होता है रेट्रोलिस्थेसिस में। तो ये आपको अब साइड व्यू दिख रहा है L4, L5, S1, जिसमें सबसे ज़्यादा ये मैं हमेशा L4, L5 और L5, S1 की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबर मूवमेंट जब हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोशन इसी वर्टिब्रा में होता है। तो हमने इसी में इसलिए हमेशा L4, L5 और L5, S1 की बात की जाती है। आपकी MRI में भी यही चीज़ें आती हैं। तो ये है हमारा वर्टिब्रल बॉडी, ये है उसकी डिस्क और L4, L5 की डिस्क, ये L5 वर्टिब्रा बॉडी और ये L5S1 की डिस्क। अब देखिए नॉर्मल जो होता है वो तो एक ही लाइन में होते हैं सारे वर्टिब्रा एक कर्व के अंदर। अब जो रेट्रोलिस्थेसिस होता है तो उसमें देखिए जो वर्टिब्रा की स्लिपेज है ये पीछे की ओर हुई हुई है। ये अपर वर्टिब्रा और ये L5S1 है, ये पीछे की ओर स्लिप किया हुआ है इस तरह से। अब ये पीछे की ओर जब स्लिप करता है वो क्यों करता है, जब हमारी जो डिस्क होती है, जब स्लिप डिस्क हम देखते हैं या डिस्क बल्ज है, वो सब पीछे की ओर पोस्टीरियरली निकलते हैं। मैंने हमेशा बताया कि वो पीठ की तरफ निकलते हैं ना कि पेट की तरफ, ये हमेशा याद रखना। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हमारी डिस्क निकलती है वो हमें पता नहीं लग रहा कि वो आगे को निकली है कि पीछे को, पोस्टीरियरली हमेशा पीछे की ओर निकलती है। तो जब भी डिस्क निकलती है अगर उसकी जो फ्रिक्वेंसी या उसकी मान लीजिए जो इम्पैक्ट है डिस्क निकलने का, मान लीजिए कोई झुक रहा है और बहुत ज़ोर से उसका जो झुकने का प्रेशर था उसकी वजह से जो डिस्क पीछे जाती है वो वर्टिब्रा को भी साथ में ले जाती है कई बार, क्योंकि उसके ऊपर ही तो वर्टिब्रा लैंड किया हुआ है तो उसको साथ में कई बार खींच लेती है। पहला कारण होता है रेट्रोलिस्थेसिस का ये। दूसरा होता है जब हमारा मान लीजिए जो डिस्क डीजनरेशन है, डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, इससे पहला वीडियो जो आया था उसमें अगर डीजनरेशन होती है डिस्क की, मान लीजिए L5S1 में डीजनरेशन हुई तो उसकी स्पेस हो जाती है कम। अब जब उसकी स्पेस कम हो जाती है तो जो ऊपर वाले वर्टिब्रा हैं, मान लीजिए अब ये चीज़ थी हमारी L4 L5S1 में, जब उसकी स्पेस कम हो गई तो जो ऊपर वाले वर्टिब्रा हैं उसमें एक गैप क्रिएट हो गया। अब जब वो गैप क्रिएट हो गया तो जब भी कोई इम्पैक्ट आएगा तो उसका जो फेसर जॉइंट है वो उसको रोक नहीं पाएगा पीछे जाने के लिए। मान लीजिए किसी ने फॉरवर्ड बेंड करना है पर उसको डीजनरेशन हुई है L5S1 की, तो जो उसका L4 L5 वाला वर्टिब्रा होगा तो L4 वर्टिब्रा जो वर्टिब्रा होगा वो पीछे की ओर स्लिप कर जाएगा क्योंकि फेसर जॉइंट उसको रोक नहीं रहा। तो ये दो तीन कारण होते हैं ऐसे। ऑस्टियोपोरोसिस होता है ओल्ड एज में, या कई बार क्या होता है हमारे कोर मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हमारे स्पाइन के सेगमेंट्स को संभाल के रखें और स्पाइन जो इंस्टेबिलिटी हो जाती है वो भी इसी वजह से होती है। या हमारे जो सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें हम लोडोटिक कर्व मेंटेन नहीं कर पाते कई बार, हमेशा हमारी स्पाइन जो है फ्लेक्शन में रहती है। इसमें जब हाइपोलॉर्डोसिस जो होता है जिसमें हमारा जो कर्व है वो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन हो जाती है। अब स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन होने में क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल कर्व है जो वर्टिब्रा को आगे को रखता था वो है नहीं, तो जो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन क्या करती है वो वर्टिब्रा को पीछे को ही खींचेगी हमेशा। जब भी हम आगे जाएंगे वर्टिब्रा पीछे जाएगा क्योंकि इसके लिए हमें सारे पोस्चरल कनेक्शन भी देखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं अब ग्रेड वन क्या होता है। जब ये कंप्लीट रेट्रोलिस्थेसिस को बोलते हैं, ग्रेड वन को कंप्लीट बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा L5 वर्टिब्रा या L4 वर्टिब्रा, मैं हम यहाँ L5 की बात कर रहे हैं तो हमेशा मैं L5 बोलूँगा, L5 वर्टिब्रा L4 और S1 के बिल्कुल बराबरी में ऐसे पीछे को निकल जाता है, उसको हम कंप्लीट रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। ये होता है हमारा ग्रेड वन। अब पार्शियल में क्या होता है,
अब जब L5 वर्टिब्रा मूव किया, यहाँ तो वो L4 की तरफ चला जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ वो S1 की तरफ चला जाएगा, इसको हम पार्शियली बोलते हैं। अब ग्रेड 3 में क्या आता है, जो L5 वर्टिब्रा है इसको बड़ा अनस्टेबल होता है, रेट्रोलिस्टिस पर होता है 20% लोगों को है, तो इसका हम देखते हैं L5 वर्टिब्रा क्या करता है ग्रेड 3 में। अब वो L4 से तो दूर रहेगा, मतलब L4 से पीछे होगा, पर S1 क्योंकि हमारा कर्व होता है स्पाइन का इस तरह से, लास्ट में आके लोडोसिस बनता है, हल्का सा सी बनता है, तो उसमें जब L5 हमारा जो वर्टिब्रा है वो L4 से तो पीछे है पर S1 से आगे रहता है फिर भी, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रेट्रोलिस्थिसिस। तो कम्प्लीट होता है ग्रेड 1 वाला, तो इसमें हमें देखना पड़ता है। अब रेट्रोलिस्थिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है हमें जानना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जब वर्टिब्रा पीछे जाता है तो समझ लीजिए ये जो कैनाल है इसको भी वो दिक्कत कर रहा है, उसको भी और टाइट कर रहा है, क्योंकि कैनाल पड़ी है यहाँ बीच में, स्पाइनल कैनाल बीच में पड़ी है, तो जब वर्टिब्रा पीछे आएगा तो सारे स्ट्रक्चर्स उसके पीछे आने शुरू हो जाएंगे और जो स्पाइनल कैनाल है या थीकल सैक है वो कंप्रेशन होने लगेगा। इसीलिए जब नर्व कंप्रेशन होती है तो हमें देखना पड़ता है रेट्रोलिस्थिसिस कौन से ग्रेड का है। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी रेट्रोलिस्थिसिस पे। अब आपको इसमें दिखाता हूँ कि कैसे हमारा वर्टिब्रा पीछे को स्लिप करता है। ये हमारा इस तरह से वर्टिब्रा होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये फेसेट जॉइंट उसको रोक नहीं पाया तो वो वर्टिब्रा कैसे पीछे को स्लिप कर जाता है। इसी के उल्टा होता है हमारा स्पोंडाइलोलिस्थिसिस, जिसको हम एंटीरोलिस्थिसिस बोलते हैं, एंटीरो मतलब आगे को। तो एंटीरोलिस्थिसिस में क्या ये होता है, यही L5 वर्टिब्रा आगे को स्लिप कर जाता है, उसका डिफेक्ट होता है यहाँ पे पार्स इंटर आर्टिकुलरिस पे डिफेक्ट होता है, जिसमें मैंने स्कॉटिश डॉग साइन इसका एक वीडियो बना हुआ है, इसको इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। ये वीडियो का मैं जो लिंक है ये लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है उसके थंबनेल में भी लगाऊंगा कि स्पोंडाइलोलिस्थिसिस कैसे होता है, उसके कौन सी एक्सरसाइज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो इसके बाद जरूर देख लेना। अब रेट्रोलिस्थिसिस की दो बेस्ट एक्सरसाइज जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रेट्रोलिस्थिसिस के साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी को स्टेनोसिस है या साइटिका हो रहा है या उसको डिस्क बल्ज है, तो सबसे पहले हमें वो प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना होता है, ना कि रेट्रोलिस्थिसिस को, क्योंकि रेट्रोलिस्थिसिस जो है वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी प्रॉब्लम है। कई बार हमारे ये प्राइमरीली होता है जब सिर्फ हमें लो बैक पेन होता है, इसके सिम्टम होते हैं लो बैक पेन होता है, पेन बटक में भी जा सकता है, फ्रंट थाई में भी जा सकता है, या हमारा सेटिका भी हो सकता है वो नर्व कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि वर्टिब्रा स्लिप किया है तो डिस्क भी बीच में आई है, तो थीकल सैक को जो जो चीज़ें कंप्रेस कर रही हैं या कैनाल स्टेनोसिस जो जिन जिन वजह से हो रहा है उसको ट्रीट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इसको, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है। तो फिर भी मैं इसकी दो एक्सरसाइज बताता हूँ, पर आपको मैं फिर भी ये हमेशा ये याद रखना कि जब भी हमें सीवियर प्रॉब्लम है तो उसको पहले ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो प्राइमरी है, जैसे स्टेनोसिस वगैरह तो उनको पहले ट्रीट करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं रेट्रोलिस्थिसिस की दो बेस्ट एक्सरसाइज, उसके लिए हमारे पास ये बॉल होना ज़रूरी है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा वर्टिब्रा पीछे पीठ की ओर निकला है, तो हमें एक्सरसाइज करनी होती है हमेशा आगे वाली एक्सटेंशन, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, पर एक्सटेंशन एक्सरसाइज कभी भी स्टेनोसिस में नहीं होती, कभी भी नर्व कंप्रेशन में जहाँ पे हमारा फेसियर जॉइंट आर्थ्रोपैथी है उसमें ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं होती। तो जब भी आपको ये सूटेबल लगे कि हमारा जो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, फेसियर जॉइंट नहीं है, स्टेनोसिस नहीं है, सेटिका नहीं हो रहा, तब आप रेट्रोलिस्थिसिस की एक्सरसाइज करो, अदरवाइज आप स्टेनोसिस की एक्सरसाइज करते करते भी रेट्रोलिस्थिसिस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कोर स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो भी हम इस बॉल पे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक बॉल होना ज़रूरी है। तो इसमें आइए देखते हैं कैसे हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से हमने बॉल के ऊपर उल्टा अपने आप को लेट जाना है इस तरह से। अब इसको लेटने का बेनिफिट क्या है कि जैसे मैं इसके ऊपर लेटा हूँ तो उससे क्या हुआ है कि मेरा जितना भी फ्लेक्शन वाला मूवमेंट था, जितना भी स्टेनोसिस वाली चीज़ थी, वो खुल गई है इस टाइम। अब वो खुलने के साथ साथ हमारे पास एक सेफ साइड हो जाती है, क्योंकि अगर हम उल्टे लेट के एक्सरसाइज करते हैं तो मान लीजिए हम बेस लाइन पे हैं और बेस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको पहले ही हमने ग्राउंड फ्लोर पे रख लिया है, बिल्कुल नीचे रख लिया है, और अगर हम इसमें ऊपर आएंगे भी तो हमेशा हम बेस लाइन पे आएंगे, यानी कि हम नीचे से शुरू हो रहे हैं और हम ऊपर की तरफ आएंगे मिड लाइन पे, क्योंकि ये जो था इसके बाद हम पहले ही हम तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो इसके बाद हम बेस लाइन से और ऊपर चले जाते हैं अगर हम पूरा लेट के एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है। इसमें हमने उल्टा लेट दिए इस तरह से, अब अपनी कैनाल हमारी ओपन हो चुकी है जिससे स्टेनोसिस का कोई खतरा नहीं रह जाता। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपने इस तरह से अपने नीज़ को, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसमें हमने ये सुपरमैन वाली एक्सरसाइज करनी है, आप बिना बॉल के भी कर सकते हैं, पर ये फिर भी एक सेफ पोजीशन मिल जाती है हमें, ताकि अगर हमें स्टेनोसिस वगैरह है भी तो भी वो उसका कोई इम्पैक्ट ना आए।
एक बार फिर से देखिए, इस तरह से हमने लेट जाना है बॉल के ऊपर। अब इसमें नीज भी हम ऊपर कर सकते हैं। अब ये हमने ऑपोजिट आर्म और लेग को उठा लेना है, 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड। इसी तरह दूसरा 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 सेकंड होल्ड। मैं थोड़ा फास्ट गिन रहा हूँ, 5 सेकंड होल्ड करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो स्टेनोसिस के लिए भी हमने कैनाल ओपन कर ली, और जब मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो वर्टिब्रा को वो आगे की तरफ यानी कि पेट की तरफ पुश भी कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, बेस है इसका, और ये बॉल का यही बेनिफिट होता है इस पर एक्सरसाइज करने का। अगर आप बिना बॉल के भी करेंगे तो गलत नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम आता है, इसका इफेक्ट हमें ज़्यादा आता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमने इस तरह से अपने दोनों लेग्स बॉल के ऊपर रख लेनी है। अब इससे भी क्या हुआ, जब हमने फ्लेक्शन में इसको रेस्ट दिया हुआ है तो हमारी कैनाल ओपन पड़ी है, तो चाहे वर्टिब्रा पीछे कैनाल को प्रेस कर भी रहा है फिर भी हमने अपनी सेफ साइड ले ली है। उसके बाद अपनी हमने बैक को इस तरह से उठा लेना है, और इतना उठाना है कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए। तो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, ये हमारे कोर मसल्स ही हैं जो उस इम्बैलेंस को ट्रीट कर रहे हैं, उस इम्बैलेंस को रोक रहे हैं। तो इसमें हमारे कोर मसल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी, चाहे स्पोंडाइलोलिस्थेसिस हो चाहे रेट्रोलिस्थेसिस हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कोर मसल को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि वही हमारी स्पाइन के अराउंड इर्द गिर्द हैं और वही उसको होल्ड करके रखते हैं, एक ही सेगमेंट में मूव करवाते हैं। तो इस तरह से हमने लेग्स इसके ऊपर रख के बॉल के ऊपर पूरा हमने, उसके बाद इस तरह से अपने आप को लिफ्ट कर लेना है पूरे बटक्स को और अपने बैक को भी, क्योंकि बाकी सारी एक्सरसाइज में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपने सिर्फ पेल्विस को लिफ्ट करना है, उसको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। मैं कभी नहीं कहता था कि अपनी बैग उठाओ, सिर्फ एक रेट्रोलिस्थेसिस है जिसमें हमने वर्टिब्रा को पेट की तरफ यानी कि आगे की तरफ पुश करवाना है, क्योंकि वो पीछे निकला हुआ है। तो इसके लिए हमें पुश करवाने के लिए ये चीज़ें करनी होती हैं। पर हमेशा याद रहे कि जब आपका सिर्फ बैक पेन रह जाता है, अगर लेग में पेन नहीं है तभी ये एक्सरसाइज आपने करनी है, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है रेट्रोलिस्थेसिस को ठीक करने के लिए, वो अपने आप ठीक होता जाएगा। कोर स्ट्रेंथनिंग बेसिक एक्सरसाइज करते रहिए। पर फिर भी कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि रेट्रोलिस्थेसिस कैसे ठीक करते हैं, तो उसका बारे में वीडियो बना दिया और आपको समझा भी दिया कि रेट्रोलिस्थेसिस होता क्या है। तो क्योंकि स्पोंडाइलोलिस्थेसिस जो होता था वो हमारा वर्टिब्रा आगे को स्लिप किया हुआ है आगे को, तो उसके लिए हमें सारी एक्सरसाइज क्या करनी होती थी, फॉरवर्ड वाली, ताकि हम वर्टिब्रा को पीछे रख सकें। तो इसमें क्या है, पीछे को स्लिप किया है तो सारी एक्सरसाइज कौन सी है जिसमें हम उसको फॉरवर्ड लेके जा सकें। तो यही हमारा डिफरेंस होता है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस और रेट्रोलिस्थेसिस में। तो अब आते हैं हम रेट्रोलिस्थेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी बैठते हैं, सिटिंग में हमेशा करते ही करते हैं, तो जब बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में चली जाती है, फ्लेक्शन मतलब फोल्डिंग। जब हम फोल्डिंग में बैठते हैं तो हमारा क्या होता है, पीछे से वर्टिब्रा और पीछे जाना लगता है, तो उसका रेट्रोलिस्थेसिस और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये जो बैक रेस्ट होता है, हमेशा अपनी चेयर पे, अपने कार सीट में जब भी आप मूव कर रहे हैं तो अपनी चेयर पे, ऑफिस चेयर पे, कार सीट पे इसको ज़रूर इसको यूज़ करिए, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका जो कर्व होता है वो हमारी स्पाइन को एक न्यूट्रल पोजीशन में, एक लोडोटिक पोजीशन, लोडोटिक कर्व जो हमारी स्पाइन का होता है, लंबर स्पाइन का, उसमें रखता है। तो उसमें क्या होता है, जब हमारी स्पाइन ऑलरेडी लोडोटिक में रहेगी, एक्सटेंशन में रहेगी, तो वर्टिब्रा को वो आगे रखेगी। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हम पीछे ढीला होकर जब बैठ जाते हैं तो ये पीछे की ओर निकल जाता है। इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने 2 mistakes ऑफ बैक पेन, जिसमें सिटिंग कैसे करना है वो मैंने बताया हुआ है। तो बैक रेस्ट का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप सीधा इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिवाइस है। जिसको भी बैक पेन, स्लिप डिस्क है, हमेशा इसको यूज़ कीजिए। हम खुद इसको यूज़ करते हैं चाहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो प्रिकॉशनरी भी ये बहुत अच्छा डिवाइस रहता है, क्योंकि हमारी लोडोटिक कर्व को हमेशा न्यूट्रल रखता है ताकि हमारी जो स्पाइन है वो हेल्दी रहे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट्रोलिस्थेसिस क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और अगर आप फिर भी आपके मन में कोई डाउट है आपके MRI के रिलेटेड या बैक पेन के रिलेटेड, तो आप नीचे लिखे जाके ये नंबर पे जाके आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आपके 1-to-1 मेरे साथ कंसल्टेशन होगी। मैं आपकी MRI रिपोर्ट देख के, आपसे बात करके आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि रेट्रोलिस्थेसिस भी है, मुझे स्टेनोसिस भी है, तो सर ने तो बोला स्टेनोसिस में ये करना है और रेट्रोलिस्थेसिस में ये करना है, तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। तो अगर आप स्पेसिफिकली अपने रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट होता है और वो क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये प्रोसीजर आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ सबके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बैक पेन से मुश्किल में हैं। और बहुत आपका मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हमारी 700 से प्लस कंसल्टेशन हो चुकी हैं और 80-90% उसका सक्सेस रेट भी है। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और आपको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।